वेलकम दोस्तों, कई सबसे स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस सनसनी केस में हम आपको कुछ नया सा दिखाने वाले हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ में और आगे तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। म्यूजिक रास्ते में है आखिर, तो थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करते करते चलते हैं। फिर बताना चाहूँगा कि आज मुझे कॉलेज में थोड़ा सा काम है, सॉरी कॉलेज में काम है मुझे, और मुझे जाना है अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेने के लिए। सॉरी, आज जितने भी सारे मेरे डॉक्यूमेंटेशन है मैंने जो है लेकर के नहीं आया, मेरे जितने हायर क्वालिफिकेशन के जो रिजल्ट मेरे को लेने थे, और मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। और आपको दिखाऊँगा कि मेरा कॉलेज किस तरह से है और कितना अच्छा है। बताना चाहूँगा कि चांपा का लोकेशन कोसा कांसा कंचन की नगरी के साथ साथ में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्कूल्स और डॉक्टर्स और उसके साथ में कॉलेज भी। तो एजुकेशन का लेवल भी बहुत ही अच्छा है, बिजनेस का लेवल भी बहुत अच्छा है, और घूमने के लिए भी अगर आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बताना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हाइएस्ट टेम्परेचर का जो सिटी है वो चांपा के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो शिमला जिसको बोलते हैं वो मेन पार्ट को बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी में आप लोग का स्वागत है। सो चलिए चलते हैं मेरे कॉलेज के लिए। ये रास्ता है विवेकानंद मार्ग, और इस विवेकानंद मार्ग में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज आगे में ही जस्ट है मेरा। सो मैंने सोचा कि इस रास्ते में दिखाना चाहूँगा। अगर आप आते हैं तो चापा आने के लिए आपको ट्रेन का भी सुविधा मिल जाएगा, ट्रेन के साथ साथ में आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं और बाई रोड भी आ सकते हैं। सारी इसमें जो हाईवे रोड है वो कनेक्टेड है इससे। और आगे में जो है जस्ट जो है थोड़ी दूर में हमारा बस स्टैंड मिल जाएगा आपको। बस स्टैंड के माध्यम से आप विजिट अगर करते हैं तो बस के स्टैंड के थोड़ी ही दूर में जो है कॉलेज अवेलेबल है। गियर को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके पहुंचते हैं। मैं आपको जल्दी से, मैं एक्साइटमेंट में आपको दिखाना चाहता हूं कि कॉलेज मेरा कैसा है करके। और हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड के पास में, आपको बताऊंगा। पहले रुकूंगा यहां पे और आपको बताऊंगा कि इस तरह से बहुत ही अच्छा है लोकेशन, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन जो है। और ये रहा हमारा बस स्टैंड, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। देखें कितना सारा क्राउड है, बहुत सारे बसेस रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो है यहाँ पे से निकल चुके हैं, हर चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। और सारे लोग यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव मिलेंगे, आप किसी से पूछते हैं तो लोकेशन वगैरह, बस वगैरह का टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ों के लिए मेंटेनेंस कर सकते। सो यहाँ पे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो बसेस हैं, और ये सारे बसेस में आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे सारे बसेस जब भी आते हैं, मतलब यहाँ पे टाइमिंग अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग लोकेशन से, सारे लोकेशन से यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सारे जगह से यहाँ पे बसेस यहीं पे ही आके रुकते हैं। पहले बस स्टैंड कहीं और था, अब मेन बस स्टैंड जो है यही हो चुका है। सो यहीं से जस्ट 500 मीटर की दूरी में जो है आपको पीछे कॉलेज मिल जाएगा, और उसके साथ साथ में जो है पैदल भी जा सकते हैं आप यहाँ से। जैसे कि अब चलते हैं हम जो है कॉलेज की ओर, बताते हैं आपको नेक्स्ट टूर पे। सॉरी, मैंने मास्क रिसीव सॉरी रिमूव नहीं कर पाया था। सो अब मास्क रिमूव करके मैं आपसे बात करता हूँ। मास्क रिमूव करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस क्राउड है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और अभी भी जो है सारी चीज़ों का जो प्रिकॉशन करना है, इसके लिए जो है सारी चीज़ को करना पड़ता है। और आगे जो है कॉलेज है, सो मैं आपको दिखाता हूँ चलिए कॉलेज के रास्ते के लिए। सो अब निकलते हैं कॉलेज के लिए। और ये एक्चुअली जो है ना, आज का जो वेदर है एकदम से फॉगी था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ठंडा वेदर था जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सो मैंने सोचा कि आज व्लॉग के थ्रू जो है सारे लोगों को जो है मिलाते हैं, मुझे काम भी था और मैंने सोचा कि व्लॉग के ही थ्रू बता दें, मतलब आपको भी दिखा दें। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए हम दिखाते हैं अभी कॉलेज का जो टूर है। ये लगभग जो है मैं पहुँच चुका हूँ कॉलेज के पास। सामने जो आपको दिख रहा है वो है मेरा कॉलेज राइट साइड में, और आगे से ले करके पूरा का पूरा आपको इंटरनली व्यू मैं दिखाऊंगा कॉलेज में। एक्चुअली इस कॉलेज की खासियत भी दिखाऊंगा आपको, और बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे एकदम, क्योंकि ये कॉलेज नंबर 2 की कैटेगरी में आता है पूरी तरह से। सो दिस इज़ माई कॉलेज, गवर्नमेंट MMR PG कॉलेज चांपा। सो दिस इज़ द गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते जो है मैक्सिमम लोग यहीं से आ करके सारी चीज़ों का मतलब बेनिफिट उठाते हैं। इसका खासियत ये है, चलिए अंदर जाते जाते आपको बताते हैं। सो ये कॉलेज जो है नंबर 2 की कैटेगरी में आता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ पे
लगभग जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अवेलेबल्स हैं अगर आप मास्टर करना चाहें या फिर अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहें। स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक की सारी डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी और प्राइवेट से लेकर के आपको रेगुलर सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। कॉलेज में लगता है नामांकन फॉर्म वगैरह, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह जो है ये सारे सबमिशन चल रहे हैं। ये जो आप सामने में देख रहे हैं इधर लाइब्रेरी है, ये एग्ज़ाम होता था यहीं पे सामने में। और चलिए अब आपको मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कि कॉलेज का अंदर का जो सीन है कैसे है। सारे लोगों ने लगभग जो है मास्क वेयर किया हुआ है, मैंने भी मास्क लगाया हुआ है। और चलिए अंदर से देखते हैं अभी क्या नज़ारा है अंदर में। एक्चुअली मुझे अपना सर्टिफिकेट लेना है और तो उसके लिए मैं जाके देखता हूँ पहले कि कहाँ पे मेरे को मिलेगा। सो पूछ लेते हैं पहले। ये लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड में कार्यालय है, पूरे जितने सारे ऑफिसर्स हैं अपने प्रिंसिपल वगैरह का। मैंने पूछा है, मुझे बताया इन्होंने कि टसर लैब की तरफ में है। सो मैं अभी जा रहा हूँ टसर लैब की तरफ में। सामने जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड, यहाँ से लेफ़्ट साइड में ये वाला, ये केमिस्ट्री लैब है। यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है प्रैक्टिकल वगैरह होते रहता है। मुझे जाना है टसर लैब। टसर लैब जो है ऊपर में है और वहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होंगे। ये उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे का जो जगह है, यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस है। सो ये बाहर का सीन जो कि अभी हम यहाँ से अंदर से बाहर आए हैं। अब आपको फिर से दिखाता हूँ मैं अंदर के ऊपर होकर के। सो कॉलेज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉलेज तो बहुत अच्छा है, डिपेंड करता है एजुकेशन पे। सो जैसा कि आप क्राउड देख रहे हैं तो समझ में आ गया होगा कि कॉलेज में भी पढ़ाई वगैरह होता होगा, तभी तो इतने सारे लोग आए यार। सो चलिए देखते हैं। बाप रे इतने सारे भीड़। सो थोड़ा साइड हो जाइए। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे बाप रे इतने सारे भीड़ लगे हुए हैं। सो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहले पूछ लेता हूँ। मैंने पूछा वहाँ पे रिजल्ट वगैरह के लिए, तो मेरे को बोले कि अभी मिल जाएगा करके, बट तब तक आपको मैंने सोचा कि बाहर से ये ऊपर से नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पे कुछ जो भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं, अब पहले बाहर में होता था, अब यहाँ पे होते हैं। छोटा काम होता है तो यहाँ पे, बाहर में बड़ा काम होता है तो बाहर में भी, मैंने आपको बताया। सो चलिए जाके मैं डॉक्यूमेंट वगैरह मैं ले लेता हूँ। सो फाइनली मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट मेरे को मिल गए। 2 साल के डॉक्यूमेंट तो मेरे छूटे हुए थे प्रीवियस ईयर के और फाइनल ईयर के, सो मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए हैं। तो अब चलते हैं भैया कॉलेज को, अलविदा, और फिर मिलेंगे चलते चलते। चलिए तब तक थोड़ा सा और घुमाता मैं आपको। ये हमारा कंप्यूटर लैब और यह है क्लास जहाँ पे खाली है, और पूरा बाकी तो अब देख चुके हैं। यहाँ पे चल रही है गुटरगू और बाहर में क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे भी गुटरगू चल रही है। एक्चुअली अगर मैं उस अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहता तो मेरे को जो है ना आज रिजल्ट नहीं मिला होता। सो थैंक यू, और नाम नहीं ले सकता इसमें, सो थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो रिजल्ट जो है मेरे को नहीं मिलता है, मेरे को फिर कभी आना पड़ता। सो ये था पूरा मेरा कॉलेज का टूर, MMR PG कॉलेज चांपा, ठीक है। सो माय डियर्स व्यूअर्स, अब ये वीडियो अब यहीं तक है, और अब यहाँ तक आपने देखा कि मैंने जो अपना रिजल्ट हमने लेने आया था, मैं पूरी तरह से उसको लेके जा रहा हूँ। अभी यहाँ तक रिजल्ट वगैरह तो हो गया, पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गया, अब देखते हैं करियर का क्या होता है यार, पूछेंगे लोग। आगे क्या, तो उनको बताएंगे आगे क्या, तो करेंगे तो दिखा देंगे, करके बताएंगे, बोल के नहीं बताएंगे। सर चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है ना, इसी कारण से व्यूवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर नहीं करते हैं इसी के कारण से मेरे चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं। व्यू आएगा तभी तो मज़ा आएगा, व्यूवर्स आएंगे तभी तो मज़ा आएगा, व्यू आएंगे तब दोस्त बनेंगे, दोस्त बढ़ेंगे तो फिर अपना एक कम्युनिटी बनेगा, कम्युनिटी बनेगा तो फिर कंटेंट बनेगा, और कंटेंट बनेगा तो फिर एंजॉय होगा। सो बताइए एंजॉय नहीं चाहिए क्या? ये चाहिए ना, तो सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।